खतरों के खिलाड़ी सीजन 8 की खुमारी जल्द ही शुरू होने वाली है, क्योंकि सभी कंटेस्टेंट स्पेन के लिए रवाना हो चुके हैं और ये सभी काफी ज्यादा एक्साइटेड भी नजर आ रहे हैं। खैर, ये बोलने वाली बात है, लंबा अरसा आप पता चलेगा कौन कितनी देर स्टे करता है, बट आई एम श्योर सब लोग डेढ़ महीने के हिसाब से ही ट्रैवल भी कर रहे हैं और अपना बैग्स भी उसी हिसाब से पैक किया होगा। ऑब्वियसली वापस तो यहाँ आने वाले नहीं हैं, तो नर्वसनेस है बहुत सारी और यस आई एम गोना मिस माय फैमिली। सो यस, बहुत कुछ हो रहा है अंदर। अपना सेल्फ बिलीफ, आई एम वेरी फोकस्ड, एवरीबडी नोज मैं बहुत ज़्यादा फोकस्ड हूँ और कॉन्फिडेंट हूँ चीज़ों को लेके। अब ज़्यादा अंतर नहीं है कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में, बट स्टिल आई ट्राई माई बेस्ट कि मैं अपना बेस्ट दे सकूँ। जब तक कर सकूँगी आई डू माई बेस्ट। अभी तक देखा आपको बहुत संस्कारी हमने देखा है कि बहुत ये सब। अब आप देखेंगे मेरा अलग रियल अवतार जो हिना का होगा, नॉट अ कैरेक्टर। हिना का बात की जाए तो खतरों के खिलाड़ी में आज तो कोई लड़की नहीं जीती है, बट हम बिलीव कर रहे हैं आप लोगों से कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई एम डैम श्योर इस बार एक लड़की ही जीतेगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू ज़्यादा लग रहा है खिलाड़ी का आपके अंदर लग रहा है क्या? यस आई डोंट नो एक्चुअली, बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं मेरे लास्ट 20 डेज में ओनली बिकॉज ऑफ KKR। आई हैव जॉइंड अ जिम फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ एंड वेरी हार्ड कोर ट्रेनिंग। आई डोंट नो हाउ मच ऑफ इट इज़ गोइंग टू हेल्प मी देयर, बट एंड आई हैव लर्न स्विमिंग, सो आई डोंट नो अबाउट विनिंग इट और हाउ फार विल आई गो देयर, बट आई एम प्रिपेयर्ड एंड आई हैव बिकम अ बेटर पर्सन, आई हैव बिकम मोर टैलेंटेड आई गेस। तो नियम इस बार क्या इरादा कि लड़कियां ही लेके आएंगी तो खड़े? लिसन, या मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन सुना था दैट नो गर्ल हैज़ वन द लास्ट 7 सीजंस। मैं बारिंग मी, मैं अपने आप को साइड में रख देती हूँ। आई एम रियली रूटिंग फॉर गीता फोगाट, प्लीज़ आई मीन इफ नोबडी एल्स एटलीस्ट दैट गर्ल एंड इवन रेस्ट ऑफ द गर्ल्स, या देर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। हिना है, शिबानी है, देर इज लोपा एंड गीता एंड ऑफकोर्स निया, सो वन ऑफ अस शुड विन, यू नो बॉयज को। साथ ही गैंग जा रहा है पूरा, शायद मस्ती भी उतने ही लेवल पे होने वाली है, उतने एक्सट्रीम लेवल पे। या आई नो दिस टाइम आई एम ग्लैड दैट जितने भी लोग हैं मैं सबको जानती हूँ, आई मीन देर इज नॉट अ सिंगल वन जिसको मैं नहीं जानती हूँ यहाँ पे, सो दैट हेल्प्स टू बिल्ड अ बेटर रैपो। बट अदर देन दैट आई एम एक्साइटेड फॉर स्पेन यार नाउ फाइनली। यस, चलो पीछे पीछे चलो चलो। थैंक यू, हो गया आ जाओ। हाँ जी, वेरी वेरी एक्साइटेड, वेरी एक्साइटेड, हैप्पी एंड द जर्नी स्टार्ट्स, सो आई थिंक आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। यस, जी आई डोंट नो यार लेवल कितना अलग होगा, इट्स जस्ट गोना बी अ लॉट ऑफ फन, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोइंग फॉर, जस्ट टू एंजॉय माई टाइम एंड आई एम जस्ट गोना हैव अ लॉट ऑफ फन। मैं कुछ ज़्यादा सोच के नहीं जा रहा हूँ, कुछ ज़्यादा एक स्ट्रैटेजी बना के नहीं जा रहा हूँ, आई एम जस्ट गोना गो एंड हैव माई बेस्ट टाइम दैट आई कैन। यस, माई मॉम्स हियर, माई डैड्स हियर, सब लोग यहाँ पर आए मुझे छोड़ने के लिए। सो या मॉम को आज नहीं कल पता चला है कि दैट आई एम एक्चुअली डूइंग, मॉम को नहीं बता रहा था मैं, बट थैंक्स टू यू गाइस कुछ बचा नहीं, बट मॉम को पता चल गया। यस काफी स्ट्रॉन्ग है, बट आई जस्ट वांट टू विश एवरीबॉडी ऑल द वेरी बेस्ट और मेरी फ्लाइट चली जाएगी गाइस। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। I don't think I'll be able to.
सर स्लो एक्साइटमेंट नर्वसनेस फियर फैक्टर अरुण सब कुछ है और आप लोगों से पहले भी बात हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस वाले दिन की जितनी एक्साइटमेंट है और जितनी एंटिसिपेशन है वो मेरा बच्चा भी उसको भी पता है कि मैं जाने वाला हूँ सो जितनी एक्साइटमेंट है और जितनी एंटिसिपेशन है उतना ही डर भी लग रहा है बट आई थिंक द एंटायर शो इज़ अबाउट ओवरकमिंग योर फियर्स और मैं वही एजेंडा लेकर के वहाँ जा रहा हूँ उसके कंपटीशन कैसा होगा कंपटीशन होगा या कमराडरी होगी वो सारी बातें वहाँ जाके पता चलेंगी लेकिन मैं इतना जानता हूँ दैट आई एम गोइंग लीविंग माय फैमिली हियर एंड आई एम गोइंग देयर विद माय फैमिली सो आई एम एक्साइटेड फॉर दैट सर कितना मिस करेंगे सर मार्केट में मिस करने वाले सेकंड भी आए हैं अरे मेरे बच्चे मुझे इतना एक्साइटेड हो रहे हैं हो रहे हैं शी इज माय लाइफ हियर शी इज माय गोल शी इज एवरीथिंग टू मी और चलो अमित Bye, bye. Thank you very much. Bye, sir. Love you, bye. Goodbye.